Welcome to this lecture of numerical methods. And today we are going to discuss numerical method. Now, we already two points discussed. First one can be our bisection method, or we have done the regular Fuzzy method. Two methods we already discussed. One is bisection, or we have discussed the one regular Fuzzy method. Now, the two method we have done. दो बैलेंस ऐसे को मिली कि हमारे पास ए और बी एक इंटरवल दोनों ही केसेस में हमने ढूंढा था इस तरीके से था कि एक बार अगर फंक्शन पॉजिटिव है तो दूसरे का फंक्शन क्या होगा नेगेटिव यानी कि अगर हम फंक्शन वैल्यू निकालते एफ ए एंड एफ बी तो वो कौन क्या होती थी आर ऑफ अपोजिट साइन दोनों के दोनों कैसे होती थी अपोजिट साइन की होती थी मीन्स एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरी नेगेटिव होगी और अगर एक नेगेटिव है तो दूसरी फर्स्ट पर नेगेटिव है तो सेकेंड पॉजिटिव और फर्स्ट पॉजिटिव और सेकेंड नेगेटिव होगी नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यूटन रैपसन मैथड ठीक है एक चीज और है कि हमारे पास कन्वर्जेंसी होती है जिसमें हमारे पास रेगुलर पल्सेस की भी होती है बाइसेक्शन की भी है न्यूटन रैपसन की बट आपके जो सिलेबस में कन्वर्जेंसी खाली न्यूटन रैपसन मैथड की है तो उसी की कन्वर्जेंसी पड़ती है ठीक है लेकिन अब तक हमने जो भी किए दोनों मैथड्स के अंदर बाइसेक्शन और रेगुलर पल्सेस हमने क्या निकाला दो एक इंटरवल निकाला और वो इंटरवल इस तरीके से था कि फंक्शन वैल्यू जो अपोजिट साइड बट न्यूटन रैपसन में ऐसा नहीं होता है ठीक है हम इसमें क्या मान के चलते हैं हम ही मान के चलते हैं एक्स जीरो जो है कोई एक अप्रोक्सीमेट रूट है किसी भी इक्वेशन का ठीक है अब हमने एक्स जीरो मान लिया तो एफ एक्स वन यानी एक्स वन जो होगा वो एक्स जीरो प्लस एच होगा जो एग्जिट रूट होगा ठीक है अगर एक्स जीरो प्लस एच एग्जिट रूट है तो इसका मतलब एफ एक्स वन किसके इक्वल होगा हमारा जीरो के ठीक है मैं सिंपल सी बात की अभी मेरे पास मान लीजिए फंक्शन में क्या है इक्वल्स टू एक्स माइनस वन अगर मैं इसे ले लू जीरो पॉइंट जीरो 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 ठीक है नाइन मेरे पास आंसर आ जाए ठीक है या मान लीजिए इसके ले लें जीरो पॉइंट नाइन 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 और यहाँ से मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास एग्जिट रूट तो नहीं आएगी रिजल्ट कुछ ना कुछ बचेगा बट अगर मैं एफ वन का वैल्यू निकालू तो क्या बचेगा मेरे पास वन माइनस वन जीरो तो वन क्या बन गया इसका एग्जिट रूट बन गया ठीक है तो वही चीज हम इसमें मान के चलते हैं हमने माना कि एक्स जीरो जो मेरे पास है वो अप्रोक्सीमेटेड रूट है अप्रोक्सीमेटेड तो एक्स जीरो प्लस एच मेरे पास एग्जैक्ट रूट होगा एग्जैक्ट रूट का मतलब है वहां पर मेरा फंक्शन वैल्यू जो है वो जीरो के इक्वल होगा ही होगा ठीक है अब हमारे पास एफ एक्स जीरो प्लस एच है तो हम यहाँ पर एक एक्सपेंशन लगाते हैं टेलर्स एक्सपेंशन जो सबने पढ़ा है इलेवन में भी पढ़ा है ट्वेल्थ में भी पढ़ा है और बीसीए फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है फर्स्ट सेमेस्टर में टेलर्स एंड मैकलॉरिन जो एक्सप्रेशन होते हैं टेलर सीरीज एंड मैकलॉरिन सीरीज तो हमें अब इससे एक्सपेंड करना है इसके थ्रू बाय टेलर सीरीज तो एफ एक्स जीरो प्लस एच एक वर्ष क्या होगा एफ एक्स जीरो एफ एक्स जीरो प्लस एच एफ एक्स जीरो प्लस एच एफ डैश एक्स जीरो प्लस एच स्क्वायर अपॉन कैलकुलेट एफ डबल डैश एक्स जीरो सो ठीक है अब एच क्यों करें क्यों क्योंकि जब मेरे पास अप्रोक्सीमेटेड जैसे मैंने बताया कि मैंने जीरो पॉइंट नाइन में अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है जीरो पॉइंट नाइन में ही अप्रोक्सीमेटेड है और वन में क्या है एग्जैक्ट ठीक है इन दोनों के बीच में डिफरेंस है वो कितना मेरे पास पॉइंट जीरो वन का डिफरेंस है तो हम ये मान के चलते हैं जो एच है वो हमारा बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है और वो इतनी स्मॉल है कि हायर ऑर्डर टर्म को हम क्या कर देते हैं नेगलेक्ट कर देते हैं एच स्क्वायर या उससे ज्यादा पावर्स यानी कि हमें एच स्क्वायर नहीं लेना है उससे ज्यादा पावर्स को हमें नहीं लेना है अब क्योंकि हमने हायर पावर को नेगलेक्ट कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा एफ एक्स जीरो प्लस एच एफ डैश एच जीरो इक्वल्स टू कितना आ गया जीरो और यहां से अपने एच की जो वैल्यू कैलकुलेट की वो कितनी आ गई माइनस ऑफ एच जीरो अपॉन एफ डैश एच जीरो तो क्लोजर अप्रोक्सीमेशन जो इसके कैलकुलेट की चलते हैं उसका फॉर्मूला होगा दिस वन एक्स वन माइनस इक्वल्स टू एक्स जीरो माइनस एल एक्स जीरो अपॉन एफ डैश एच जीरो देखिए अब तक हमने जितने भी किए थे उसमें सिर्फ हमने खाली फंक्शन वैल्यू यूज किया था उसका डेरिवेटिव यूज नहीं किया था लेकिन यहां पर हमें उसका डेरिवेटिव भी यूज करना है अब ऐसे
निकालना है ठीक है, अगर स्टार्टिंग करते हैं एक्स वन से तो बेटर अप्रोक्सीमेशन जो आएगा वो क्या है एक्स टू इक्वल टू एक्स वन माइनस एफ एक्स वन अपॉन एम डैश एक्स वन। तो इन जनरल हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। और इस प्रोसेस को हम तब तक फॉलो करते हैं जब तक हम इसे फॉलो करते रहेंगे, जब तक हमें डिजायर्ड एक्यूरेसी नहीं मिल जाती, जब तक उसने जितना हमें बोला है उतने लेवल तक हम नहीं पहुंच जाते। लेवल वाइज हम करें तो टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल करें तो थ्री प्लेसेस ऑफ डेसिमल करें तो फोर प्लेसेस ऑफ डेसिमल। चलिए इसके एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते। फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन कॉस एक्स माइनस एक्स ई रेज़ टू द पावर एक्स इक्वल्स टू जीरो यूजिंग न्यूटन रेफ्सन मेथड करें टू फोर डेसिमल प्लेसेस ठीक है। चलिए हमारे पास जो फॉर्मूला है उसके लिए हमें जो जनरल फॉर्मूला है एक्स एन चाहिए एक अप्रोक्सीमेटेड है एफ एक्स एन चाहिए और एम एच एक्स एन चाहिए ठीक है। तो सबसे पहले एफ एक्स कितना हमारे पास कॉस एक्स माइनस एक्स इक्वल्स टू पावर एक्स हमने एफ जीरो ले लिया ठीक है। चलिए एफ एक्स कितना हमारे पास
वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया और हमारे पास रिजल्ट जो है क्या ठीक है। हमने एक जीरो को एंटर प्लेस के लिए जीरो से और अभी वैल्यू बुक करी एक्स जीरो की कितनी वैल्यू हमारे पास जीरो और सॉल्व करके हमारे पास कितना आ गया ठीक है। यानी कि हमारे पास फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कितना आ गया हमारे एक्स वन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास वन ठीक है। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। एक्स जीरो हमारे पास आ चुका था जीरो और एक्स वन कैलकुलेटर क्या है हमारे पास कितना ठीक है। अब जब सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में जाएंगे तो इनको किससे रिप्लेस करेंगे वन से ठीक है। नाउ सेकेंड अप्रोक्सीमेशन ठीक है। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में एन को कितना बुक किया वन तो हमारे पास एक्स टू की जो वैल्यू थी वो किसके इक्वल आ गई एक्स वन प्लस कॉस एक्स वन ये कैलकुलेशन किया होगा इसको पूरा तो उसमें यहाँ पे माइनस आया होगा तो उसको हम कन्वर्ट करके प्लस में लेंगे इसको ठीक है। एक्स वन की वैल्यू कितनी है वन तो हमने एक्स वन को पुट किया कितना वन और सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास एक्स टू की वैल्यू निकल कर आई वो कितनी आ गई जीरो पॉइंट सिक्स फाइव थ्री ठीक है। तो मीन्स अब तक हमारे पास तीन चीज वैल्यूज निकल कर क्या गई कौन सी एक्स जीरो एक्स वन एंड एक्स टू। एक्स जीरो की वैल्यू हमारे पास जीरो आई है एक्स वन की वैल्यू हमारे पास वन आई है एक्स टू की वैल्यू आई है हमारे पास जीरो पॉइंट सिक्स फाइव थ्री वन और फिर हम निकालेंगे एक्स थ्री यानी फिर क्या निकालना है कौन सा अप्रोक्सीमेशन थर्ड अप्रोक्सीमेशन। थर्ड अप्रोक्सीमेशन में एन की वैल्यू कितनी पुट कर दी हमने सीधा टू तो एन की वैल्यू पुट की तो रिजल्ट कितना है जीरो पॉइंट फाइव थ्री वन मीन्स एक्स थ्री की वैल्यू आ गई जीरो पॉइंट फाइव थ्री वन थ्री ठीक है। नाउ नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन में एन को कितना पुट करेंगे थ्री मीन्स जो हम भी हमारे पास एक्स आया है वहां पर हम किसकी वैल्यू पुट करें एक्स थ्री तो हमारे पास कितना बचा एक्स थ्री प्लस कॉस एक्स थ्री माइनस एक्स थ्री की रेस्ट टू पावर एक्स वन टू जब सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो हमारे पास रिजल्ट कितना आ गया जीरो पॉइंट फाइव वन सेवन नाइन मीन्स एक्स वन हमारे पास आ गया जीरो पॉइंट फाइव वन सेवन नाइन। अब अगर हम देखें तो एक प्लेसर की वैल्यू जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट फाइव यानी कि एक प्लेस तक हम वहां पहुंचे करेक्ट पहुंचे। अब आगे निकाल दें फिफ्थ अप्रोक्सीमेट फिफ्थ अप्रोक्सीमेट भी निकाला तो एन की वैल्यू कितनी बुक करी हमने फोर। अब जब फोर बुक किया तो हमारे पास रिजल्ट आया वो कितना आ गया हमारे पास जीरो पॉइंट फाइव वन सेवन एट। अब अगर हम देखें तो हमारे पास कितने प्लेसेस करेक्ट आ गए थ्री प्लेसेस हमारे पास करेक्ट आ गए ठीक है। और इसी तरीके से हम चाहें तो इसे आगे कंटिन्यू करके हमें जितने प्लेसेस चाहिए उतने प्लेसेस तक हम इसे कंटिन्यू करके निकाल सकते हैं ठीक है। फोर प्लेसेस तक निकालें तो आगे एक और कंटिन्यू कर देंगे फाइव तक निकालें तो आगे एक और कंटिन्यू कर देंगे आपको कंटिन्यू कितना ही करना है। तो हमने क्या किया सबसे पहले को इंटरवल ढूंढा जिसकी एक वैल्यू पॉजिटिव थी और एक क्या थी नेगेटिव। इनिशियल किया स्टार्ट किया हमें छोटी वैल्यू यानी कि जीरो से स्टार्ट किया तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास कितनी आई वन कोई कंपैरिजन नहीं था दोनों के बीच में। एक्स को कैलकुलेट किया तो ये आ गया कोई कंपैरिजन नहीं एक्स से कैलकुलेट किया ये एक्स को कैलकुलेट किया दोनों की कॉन्सिक्वेंस को आगे कैसे हो गया फर्स्ट वैल्यू हमारे पास करेक्ट आ गया। देन नेक्स्ट वैल्यू की नाम अगर हम देखें तो दोनों के कितने प्लेसेस करेक्ट आ गए थ्री प्लेसेस हमारे करेक्ट आ गए। अब अगर हमारे पास इसको कंटिन्यू करते जाए तो हमें जितने भी रिक्वायर्ड है जैसे एक्यूरेसी है आपको फोर प्लेस निकालना है फाइव प्लेस निकालना है तो आप वहां तक उसे कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है। तो देखिए तीन मेथड्स हमारे पास होते हैं बाइसेक्शन रेगुलर पॉलिसी और लूडेड रेक्शन मेथड। एग्जाम में जब भी कभी इसका क्वेश्चन आएगा आपको हमेशा मेथड स्पेसिफाई कर आएगा ठीक है। वहां लिखा होगा कि आपको क्या निकालना है और क्या करना है ठीक है। अगर उसने ये कहा है बाइसेक्शन आकर तो आपको बाइसेक्शन ही अप्लाई करना है ठीक है। अगर उसने कहा रेगुलर पॉलिसी तो रेगुलर पॉलिसी अप्लाई करना और अगर उसने कहा लूडेड रेक्शन तो लूडेड रेक्शन बस न्यूटन एक्सन में क्या होता है स्टार्टिंग में भी वन होती है हमारे यूज नहीं होती जबकि उन दोनों में हमारे पास क्या होती है जो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की दोनों वैल्यूज थे उन्हें हम यूज करते हैं ठीक है। इन क्वेश्चन को आपको ट्राई करके देखना ठीक है साथ में कैलकुलेट भी करके देखना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू।